हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पहचान पत्र को एडिट करवाए हैं यानी कि करेक्शन करवाए हैं, और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो पहचान पत्र है एडिट हुआ है यानी कि करेक्शन हुआ है कि नहीं, यानी कि सुधार हुआ है कि नहीं, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पहचान पत्र है सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप सुधार करा लिए हैं और उसका रिसीविंग मिला होगा, अगर चाहते हैं तो रिसीविंग से भी आप चेक कर सकते हैं, या चाहें तो आप एपिक नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जिसका एपिक नंबर पहचान पत्र पर दिया होता है उस एपिक नंबर से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको एपिक नंबर से बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका पहचान पत्र जो सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप जो सुधार दिए होंगे सुधार कराने के लिए, यानी कि नाम दिए होंगे सुधार कराने के लिए, या पति का नाम या हस्बैंड का नाम या जन्मतिथि दिए होंगे, जो भी दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या आप दिए होंगे सुधार कराने के लिए। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नाम या जन्मतिथि या जो कुछ भी आप दिए हैं सुधार करने के लिए, तो वहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आपका सुधार हो गया होगा तो वहाँ पे नया वाला दिखाएगा, यानी कि जो नाम दिए होंगे तो नया नाम दिखाएगा जो कि आप दिए थे सुधार कराने के लिए। तो अगर आपका नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे पहले ही वाला नाम दिखाएगा। तो अगर नया नाम दिखाता है यानी कि जो सुधार करने के लिए दिए थे तो वो नाम दिखा रहा होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो सुधार हो चुका है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी नया पहचान पत्र आ गया है जिसे PVC कहते हैं, PVC की तरफ आ गया है वो भी, अब उसे ऑर्डर कर सकते हैं। 50 रुपये लगता है, किसी भी CSC के पास जा करके आप अपना पहचान पत्र ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस के द्वारा मंगा सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको एपिक नंबर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पहचान पत्र में जो सुधार करने के लिए दिए थे सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे देखेंगे, इस पोर्टल पे मैं आ चुका हूँ। अगर आप इस पोर्टल पे डायरेक्टली आना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते ही इस पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे अब आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैसे अपने एपिक नंबर से चेक करना है कि आपका पहचान पत्र सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए, मैं आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्ट्रोल, यहाँ पे रोल लिखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पीला कलर का लोगो भी दिखाएगा आपको, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, यहाँ पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। तो चलिए, मैं एक बार क्लिक कर दिया। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं इस लिंक पे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एपिक नंबर के द्वारा आपको सर्च करके बताऊंगा, यानी कि चेक करके बताऊंगा कि पहचान पत्र सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप अपने डिटेल डाल करके खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको नाम डालना होगा। यहाँ पे देखेंगे नाम, यहाँ पे पति का नाम यानी कि पिता का नाम या पति का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टेट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको एपिक नंबर के द्वारा बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज, यानी कि आप अपने एपिक नंबर से खोज सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एपिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एपिक चूज हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है मतदाता पहचान पत्र क्रमांक, यानी कि आपको यहाँ पे एपिक नंबर लिखना है, यानी कि आप पहचान पत्र पर देखे होंगे एपिक नंबर लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको एपिक नंबर डाल लेना है। तो चलिए, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे कोड दिया हुआ है, कोड को आपको ओके कर लेना है, यानी कि यहाँ पे आपको कोड को कैप्चा को भर लेना है। तो चलिए, मैं आपको पहचान पत्र का यहाँ पे एपिक नंबर डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे कोड डाल के आपको आगे बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैं एपिक नंबर डाल चुका हूँ जो कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ अपना एपिक नंबर। यहाँ पे आपको अपने एपिक नंबर को डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट यानी कि राज्य, जिस आप राज्य से हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ, यानी कि चूज कर लिया हूँ। अगर आप जिस भी राज्य से हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, यानी कि चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लिया हूँ, इतना आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पे खोजे लिखा हुआ है और सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने इसका डिटेल खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है MD अलाउद्दीन, यानी कि यहाँ पे मैं नाम सुधार करने के लिए दिया था, यहाँ पे पूरा मोहम्मद था, और यहाँ पे भी जो यहाँ पे शॉर्टकट में मोह दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा मोहम्मद दिया गया था, तो यही नाम सुधारने के लिए मैं दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा नाम सुधर के आ चुका है, और यहाँ पे आगे भी पूरा डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप
आने के बाद पता कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ अगर आपका यहाँ पे व्यू डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है सर्वर के वजह से। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों इसके खुलने का। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ चुका है व्यू डिटेल, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका देखा देगा। यहाँ पे देखेंगे नाम में मेरा सुधार हो चुका है, जो कि जैसे कि आपको बताया हूँ दोस्तों यहाँ पे पूरा मोहम्मद लिखा हुआ था, और यहाँ पे पूरा मोहम्मद यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है MD, यहाँ पे पूरा मोहम्मद लिखा हुआ था पहले मेरे पहचान पत्र में था। और यहाँ पे पूरा जो मोह दिखा रहा है यहाँ पे भी पूरा मोहम्मद था। तो इसको सुधार करने के लिए मैंने दिया था, यहाँ पे सुधार होकर के आ चुका है। यहाँ पे आप अपने पहचान पत्र का पूरा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इस प्रकार से आने के बाद पूरा देख सकते हैं, जो भी आप सुधार करने के लिए दिए होंगे, यानी कि पति का नाम, जेंडर या जन्म तिथि या जो भी दिए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पता करके जो चीज़ भी आप सुधार करने के लिए दिए थे, यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि आपका सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका सुधार हो गया है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा समय लगता है सुधार हो में दोस्तों, 2 महीना या 2.5 महीना ले सकता है सुधार होके आने में। तो इसके बाद आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो करके आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, लेकिन फाइल में दिखाएगा, यहाँ पे शो नहीं करेगा। फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के फाइल में आपको दिखाएगा, यहाँ पे ये जो डिटेल दिखा रहा है इतना, ये डिटेल आपको डाउनलोड होकर के चला गया होगा आपके फाइल में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपका पहचान पत्र में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे स्टेप बताया हूं वैसे आकर के बहुत ही आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से एपिक नंबर के द्वारा आप अपने एड्रेस को, यानी कि नाम को या जन्मतिथि को सुधार करने के लिए दिए थे उसको पता कर सकते हैं कि अभी तक सुधार हुआ है कि नहीं। अगर सुधार हो जाएगा तो वहीं पर आपको दिखा देगा कि जो सुधार करने के लिए दिए थे वहाँ पर आपको शो कर देगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।